कि उत्तर प्रदेश में गुंडाराज चल रहा है, योगीराज नहीं गुंडाराज, ये हम नहीं कह रहे हैं, इस बात को सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, महिलाओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, गरीबों की कोई गिनती नहीं है। अगर किसी का राज है तो ये मनवादियों का राज है, और ये उत्तर प्रदेश में राज सब गुंडा राज है। यूपी के बेस में, यूपी में पुलिस के बेस में गुंडा राज चल रहा है। आपको ये भी बता देता हूं मैं, ये लोग, ये बीजेपी के लोग, ये सरकार नहीं चला रहे हैं, ये अपना रावण राज चला रहे हैं। इस रावण राज को खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी के अगुवाओं में ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और मैं आपको बता देता हूँ ये समाजवादी के लोग जब जब जागे हैं तो परिवर्तन होकर हुआ है और परिवर्तन करके दिखाया है। मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग जगेंगे तो ये सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे और ये समाजवादी की सरकार लाएंगे। समाजवादियों हर समाज के लिए जो काम करते हैं, भाई अखिलेश, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो यूपी में काम किया, 100 नंबर का काम किया, 100 नंबर पुलिस के लिए, जो उन्होंने इतना बड़ा योगदान इतने बड़े प्रदेश में किया, ऐसा कहीं नहीं हुआ है, न गुजरात मॉडल में हुआ, नहीं और कहीं भी हुआ, दिल्ली के अलावा 100 नंबर का और कहीं नहीं था। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर पुलिस की व्यवस्था की, 112 आपको एम्बुलेंस की व्यवस्था माननीय अखिलेश यादव ने की, रोडों का निर्माण अखिलेश यादव ने कराया, जगह जगह पर समाजवादियों ने देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत बहुत अच्छे काम किए। लेकिन आज प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है, शोषण हो रहा है, गरीबों का शोषण हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, अल्पसंख्यकों का शोषण हो रहा है, ओबीसी का शोषण हो रहा है, एससी का शोषण हो रहा है। आप लोग जब सड़क पर उतर कर इसका विरोध करेंगे तो मैं इस मंच के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि समाज को हम आगे बढ़ाते हुए इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, इस सरकार को रोकने नहीं देंगे। आपको मैं बता देता हूँ, आप लोग सजग हो जाइए, समझ जाइए कि समाजवादी लोग हमेशा जब जब समाज की आवाज उठाइए तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने की आवाज उठाइए और इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। आज रामराज की जो दुआई देने वाले हैं, ये समाज को सिर्फ बंटवारे की, अल्पसंख्यक के नाम पे बंटवारा करते हैं, ओबीसी के नाम पे बंटवारा कर रहे हैं, SC ST के नाम पे बंटवारा कर रहे हैं, ये समाज के लोग नहीं है, ये समाज के दुर्गंध लोग हैं, ये योगी नहीं ढोंगी है, राजनीति का रोगी है। आप सब लोग ये नारा भी लगाएंगे और ये याद भी कर लेंगे, योगी नहीं ढोंगी है, राजनीति का रोगी है, योगी नहीं ढोंगी है, राजनीति का रोगी है। मैं आपको बता देता हूँ कि इन लोगों ने जो ढोंगपना आज समाज में फैला रखा है, सत्य पर कब्जा कर रखा है, हिंदू मुस्लिम बना के ये जब जब सत्ता हासिल करना पड़ता है तो देश में विरोध भाव फैलाते हैं और सत्ता को काबिज कर लेते हैं। आप हम सब लोगों को गुमराह करने का काम किया इन्होंने, आज तक कोई विकास का काम किया है क्या? हाथ उठा के बताओ, कोई विकास हुआ है क्या? आज तक कोई विकास नहीं हुआ, गरीब और गरीब होता जा रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, और अमीर होता जा रहा है, गरीब और अमीर की कितनी खाइयां बढ़ रही है ये आपको पता होना चाहिए। इस सरकार ने हमेशा गरीबों को और गरीब बना दिया और अमीरों को और अमीर बना दिया, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे माल्या हो, चाहे और कोई हो, ये तमाम लोग ये देश से संपत्ति ले लेके बाहर भाग रहे हैं और देश के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। न योगी सरकार, उत्तर प्रदेश में इतना अराजकता का माहौल बना हुआ है कि समाज में लोग अब उतर कर विरोध में सामने खड़े हो रहे हैं, और ये तमाम समाजवादी पार्टी के बैला में इनका भी स्वागत करता हूँ। सभी लोग बैठे अपना अपना आसन ग्रहण करें। और दिल्ली प्रदेश, जब दिल्ली जगती है, दिल्ली की आवाज पूरे देश में होती है, सभी लोग बैठ जाओ, दिल्ली की आवाज इस जंतर मंतर के
सेतु से दिल्ली की आवाज पूरे देश में होती है। दिल्ली का, दिल्ली देश का दिल है और यहाँ से जो आवाज उठती है पूरे देश में। और मैं इस मंच के माध्यम से इस मोदी और योगी सरकार को कहना चाहता हूँ कि ये बकवास बंद करो, विकास की बात करो, गरीबी को हटाओ और अमीरों को अमीर मत बनने दो। लेकिन ये अमीरों को बहुत अमीर बना रहे हैं और गरीबी को और गरीब बना रहे हैं। मैं इसके साथ ज्यादा समय न लेके अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, समाजवादी पार्टी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।